हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल GS स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त एक फिर से नई वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड सरकार के द्वारा एक नई वैकेंसी को इस प्रकार निकाला गया है, देख लीजिए। इसका नाम है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ठीक है। और इसका विज्ञापन संख्या दोस्तों 9/2022 है, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम होगा JMSCCE 2022। तो ये दोस्तों एक नई वैकेंसी निकल के आई है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे कि यह वैकेंसी जो है वो कौन कौन आदमी भर सकते हैं, यानी कितनी योग्यता होनी चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए, कौन सा डेट में भरा जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पद है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी इस विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित की गई है JSSC के द्वारा, इतने सारे जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक देखें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसमें कि क्या है, इसमें इस वैकेंसी में क्या खास है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों आपका इसमें ₹100 रखा गया है, वहीं SC ST के लिए ₹50 और बाकी के लिए जो भी अपना आरक्षण के आधार पर है वो सेम रहेंगे, ठीक है। परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद देख लीजिए रिक्तियों का विवरण, यानी कितने पद इसमें निकाले गए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर गार्डन अधीक्षक, ठीक है, गार्डन अधीक्षक के लिए अनारक्षित में 5, अनुसूचित जनजाति ST में 3, SC 1, BC 1, BC 2 में 1-1 और EWS में 1, कुल 12 पोस्ट इसमें से निकला हुआ है गार्डन अधीक्षक में। उसके बाद वेटनरी ऑफिसर में भी आप देखेंगे तो इसमें 10 पोस्ट है टोटल, और इसका सभी कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो एक हो गया गार्डन अधीक्षक, दूसरा हो गया वेटनरी ऑफिसर, तीसरा देख लीजिए दोस्तों सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ठीक है। इसमें कुल 24 पद निकाला गया है, 24 इसमें पदों पर बहाली की जाएगी। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी पर कितने कितने पद इसमें रिक्त पदों को दर्शाया गया है। उसके बाद देख लीजिए अगला है सैनिटरी सुपरवाइजरी, इसमें कुल 645 पद निकाले गए हैं, ठीक है। अनारक्षित के लिए 259, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 168, ठीक है। वहीं 3 जो है दोस्तों पद उसी में से आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है, SC के लिए 64, BC 1 51, BC 2 39 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 64 सीटों का इसमें निर्धारण किया गया है। राजस्व निरीक्षक के लिए भी 184 पद निकाला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार से इसमें पद सृजित किया गया है। और एक है विधि सहायक, ठीक है, विधि सहायक में कुल 46 पदों को निकाला गया है, ठीक है। और ये जो कोटिवार जो भी पद निकली है इसमें अधियाची विवेक के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, अर्थात घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे इसमें कि यह वैकेंसी जो है वो कौन कौन से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो धारण किए हुए अभ्यर्थी भर सकते हैं। तो देख लीजिए, गार्डन अधीक्षक जो हो दोस्तों वो समूह ख अराजपत्रित लेवल का होता है, ठीक है, जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से 1,12,400 के बीच में इसका वेतनमान होता है। और इनको भरने के लिए इन जो कैंडिडेट होंगे उनको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर और वानिकी में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप वेटनरी ऑफिसर समूह ग अराजपत्रित का अगर देखेंगे तो पे मैट्रिक्स लेवल 2 का होता है, 19,900 से 63,200 के बीच में इसका वेतनमान होगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बैंड्री में स्नातक की इसमें आपको मान्यता शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, यह समूह ग अराजपत्रित का वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 4 का इसमें वेतनमान होता है, 25,500 से 81,100 के बीच इसका वेतनमान रहेगा। और इसमें जो है दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन, इतने सारे कम से कम इसमें पद होनी चाहिए तब जाके आप इस पद को भर सकते हैं, इतने सारे आपके पास मान्यता होनी चाहिए। अगला देख लीजिए दोस्तों कि सैनिटरी सुपरवाइजरी समूह ग अराजपत्रित के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 3,
ठीक है, जिसमें 21,700 से 69,100 के बीच में है। इसमें भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये आपकी मान्यता होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता की। ठीक है, अगला देख लीजिए दोस्तों, राजस्व निरीक्षक के लिए, जो कि यह भी है लेवल सी का ही होता है, ठीक है, असमूह और राजपत्रित। इसमें भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 के बीच में आपका वेतनमान होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में स्नातक होनी चाहिए। और विधि सहायक के लिए समूह और राजपत्रित का जो वैकेंसी है, इसमें आपको पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित किया गया है, 29,200 से 92,300 के बीच इसका पे मैट्रिक्स होगा, यानी कि वेतनमान होगा, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको विधि में स्नातक का डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों, वो आपको अनिवार्य तिथि में जो भी डेट है उससे पहले धारित करना होगा। ठीक है, और इसमें फिर आपको खेल वालों के लिए देख लीजिए अलग से इसमें दिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो एज की गणना है वो सभी का, यानी जितने भी 6 पद है दोस्तों उसमें सभी का एज की गणना न्यूनतम जो है दोस्तों वो आपका 1/8/2021 निर्धारित की गई है, और इसी संदर्भ तिथि के अनुसार आप अपना न्यूनतम उम्र सीमा की गणना करेंगे। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु आपको संदर्भ तिथि दिया हुआ है 1/8/2022, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों के लिए आपको 1/8/2021 की आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम उम्र सीमा जो दोस्तों वो 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, और सभी कैंडिडेट के लिए, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वहीं आपका जो अधिकतम उम्र सीमा है दोस्तों वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग, जैसे 35 वर्ष निर्धारित किया गया है अनारक्षित के लिए, BC1 और BC2 पुरुष के लिए 37 वर्ष, और महिला कैंडिडेट कौन कौन से, OBC मैंने BC1 BC2 और अनारक्षित महिला के लिए 38 वर्ष, और SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है दोस्तों 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके बाद इसमें और भी बाकी लोग को छूट मिलेगा, आरक्षण का लाभ पर भी आप देख लेंगे, मैं उन सभी को स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ उस डेट पर कि आप कब अपना ऑनलाइन आवेदन इसमें सबमिट कर सकेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों वो आपको JSSC के ऑफिशियल साइट पे या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको यह PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, और पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद ही आवेदन जो ऑनलाइन करेंगे उस प्रक्रिया में भाग लेंगे और अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हैं, इसको बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल हम लोग तुरंत से आ जाते हैं कि आवेदन प्रक्रिया जो है वो कौन कौन से डेट से भरा जा रहा है और क्या क्या डेट इसमें निर्धारित किया गया है। अर्थात यह जो नगरपालिका वाला जो आपका चुनाव है वो आपका कौन से डेट में आप भर सकते हैं, तो देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए और सूचना दर्ज करने के लिए आपको 30 मई से लेकर के 29 जून तक की मध्य रात्रि तक आपको आवेदन भर देना है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क को भुगतान करने के लिए आपको 2 जुलाई तक का समय मिलेगा। ठीक है, और फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करके आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जो है दोस्तों वो 5 जुलाई 2022 तक ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसको आप 6 जुलाई 2022 से 10 जुलाई 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए सक्षम होंगे, और इसके लिए आपको पुनः लिंक जो है वो खोल दिया जाएगा और वहां से आप अपना जाके अशुद्धि को संशोधन कर सकेंगे। ठीक है, और छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का जो दावा है दोस्तों वो परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। ठीक है, और आप कैसे इसका भुगतान करेंगे उसके लिए देख लीजिए किया हुआ है कि परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए जिस वक्त आप जमा करेंगे तो वो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, और आगे जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा, और इसके लिए बाद में फिर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों इसमें कैसा परीक्षा लिया जाएगा इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, तो देख लीजिए परीक्षा का जो स्वरूप होगा दोस्तों इसमें, यानी कि जिस तरह से इसमें निर्धारित किया जाएगा इसमें पदों के अनुरूप, ठीक है, तो वो है दोस्तों OMR बेस्ड पर होगा। ठीक है, और
आपका जो प्राप्तांक होगा दोस्तों उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर अलग अलग डेट पर एग्जाम होता है तो, और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपका जो मेघा सूची का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों परीक्षा का जो चरण होगा वह एक ही चरण होगा यानी मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें आपको जो है दोस्तों वो हर एक क्वेश्चन में 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाता है, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1 अंक की सही में से 1 अंक की कटौती कर लिया जाएगा, यानी कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और भाषा विषयों को छोड़कर यानी हिंदी और इंग्लिश का जो भाषा विषय है उसको छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न पत्र होंगे वो सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। तो देख लीजिए मुख्य परीक्षा होगी जो दोस्तों वह होगी आपका 3 पत्र में, और इसमें जो परीक्षा है या तीनों अलग अलग परीक्षा जो है दोस्तों वह 3 पालियों में ली जाएगी, 3 परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा, ठीक है। और जिसमें देख लीजिए पत्र 1 जो है दोस्तों वो आपका भाषा ज्ञान पर आधारित होगा, कुल 120 प्रश्न होंगे, परीक्षा की अवधि मिलेगी आपको 2 घंटे, और इसमें क्वेश्चन होंगे 60 प्रश्न हिंदी से और 60 प्रश्न अंग्रेजी से, और इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसका मार्क्स जो है वो मेगा सूची के निर्धारण में नहीं होगा, अर्थात इसमें आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें इस मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा, यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, ठीक है। अगला है जो दोस्तों पेपर 2 जो होगा वह होगा आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा पर आधारित, ठीक है, यानी कि आप उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया में से किसी एक भाषा का चयन करके जिसकी आपको जानकारी है आपको उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 100, और उसको आपको चयन करके रखना है, और उसके लिए आपको 2 घंटे की अवधि मिलेगी, और इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, इससे अगर आप कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालिफाई माने जाएंगे। पत्र 3 जो है दोस्तों उसमें भी आपको तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी, और इसमें कुल प्रश्न होंगे 150, इसमें पैटर्न थोड़ा चेंज है, और अवधि जो है वो परीक्षा की आपको मिलेंगे 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट। तकनीकी विशिष्ट विषय पर आपको 100 प्रश्न होंगे, तकनीकी या विशिष्ट विषय जो भी आपका रहेगा उसमें 100 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन यानी जीके से आपका 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, इस प्रकार इसमें आपका टोटल 150 प्रश्न होंगे, और 2 घंटे 30 मिनट की इसमें आपको परीक्षा अवधि मिलेगी, और इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य होगा, यानी कि आप कंक्लूजन निकाले तो सभी विषयों में सभी पत्रों में आपको 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक नोट डाउन कर लीजिए कि आपका पेपर 1 का जो नंबर है वो क्वालिफाइंग होगा, यानी कि उसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है, ये पेपर 2 और पेपर 3 का ही मार्क्स को जोड़ के इसमें आपका मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिएगा इसमें मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा, जो हिंदी का परीक्षा होगा, हिंदी इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर होगा दोस्तों उसमें आपको 30 प्रश्न अनुच्छेद आधार पर पूछा जाएगा, और 30 प्रश्न जो है दोस्तों वो आपको व्याकरण आधार पर पूछा जाएगा, जो 60 प्रश्न आपके रहने वाले हैं, और उसी में जो अंग्रेजी रहेगा उसमें भी आपको 30 प्रश्न अनुच्छेद पर और 30 प्रश्न व्याकरण पर रहेंगे, और क्षेत्रीय भाषा पर आप देख लेंगे कौन कौन से भाषा का कैसा कैसा सिलेबस दिया हुआ है, इसमें सभी भाषाओं का निर्धारित किया हुआ है सिलेबस, और उसी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करने हैं। और उसके बाद आप देखेंगे पेपर 3 का, तो इसमें देख लीजिए सामान्य अध्ययन का इतने सारे टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने सारे टॉपिक का आप अध्ययन कर लेंगे। वीडियो में बताना थोड़ा सा इसमें असहजता महसूस हो रही है, इस कारण मैं इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद सामान्य विज्ञान से रिलेटेड देख लीजिए आपका ये टॉपिक से रिलेटेड का क्वेश्चन, सामान्य गणित में इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप इतने सारे कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक से कम लाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, अगर वो अनारक्षित होते हैं और 40% से कम लाते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति और महिला होती है 32% से कम लाती है, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के लिए 40%, अगर इससे आप कम लाते हैं तो आपकी मेगा सूची जो है वो नहीं तैयार किया जाएगा।
ठीक है, यानी कि आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इतने सारे थे इस वीडियो में बताने लायक बातें, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने भी कोशिश की है कि लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ। इससे रिलेटेड भी कुछ बातें थी जो आपको मैं बताना चाहता था, पर वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इस कारण मैं आपको इस वीडियो में बस इतनी ही सीमित जानकारी दिया, ठीक है। और ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है दोस्तों, विवरणिका जो है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और विस्तृत रूप से पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। इसमें किसी प्रकार की आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करते हैं तो फिर आपका आगे का रास्ता बंद हो जाता है। तो मिलते हैं फिर एक और इसी तरह से अपडेट के साथ, तब तक से आपको फिर से एक बार जय हिंद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।